इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कीटेल 40 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्च रक्तचाप और हार्ट फेल्योर के इलाज के लिए किया जाता है। रक्तचाप को कम करने से भविष्य में होने वाले दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। यह दवा मधुमेह के रोगियों में गुर्दे के कार्य को बनाए रखने में भी प्रभावी है। कीटेल 40 टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ संयोजन में निर्धारित किया जा सकता है। इसे दिन में या रात में भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। हालांकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्रत्येक दिन एक ही समय पर लेने का प्रयास करें। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपका रक्तचाप नियंत्रित है तो भी इसे नियमित रूप से लेते रहना महत्वपूर्ण है। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। यह व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने से भी आपके रक्तचाप को कम करने में मदद मिलेगी। इनमें नियमित व्यायाम, वजन कम करना, धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार अपने आहार में नमक की मात्रा कम करना शामिल हो सकता है। यह दवा अधिकांश रोगियों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है और इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि यह कुछ लोगों में ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण, पीठ दर्द, साइनस संक्रमण और दस्त का कारण हो सकता है। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किडनी या लीवर की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब आप यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर नियमित अंतराल पर आपके रक्त में आपके गुर्दा समारोह, रक्तचाप और पोटेशियम के स्तर की जांच कर सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।